सारी की सारी थकावट ना खत्म हो चुकी है अपने रूम से जो व्यू है ना वो देख के। आप भी एक बार देखो। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए क्या नजारे हैं मुक्ति। बहुत बढ़िया। ये तो लग रही प्रॉपर इजिप्ट फील है। हाँ, गई नहीं वैसे मैं कभी बट स्टिल। फैमिली होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, सुबह का टाइम है, हम अभी ब्रेकफास्ट करके हटे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हैं चंद्रताल में, और अगर चंद्रताल आई है तो यहाँ पे जाके लेक देखनी भी बनती है। बिल्कुल, बाई चांस ही हमारा प्लान अपने आप ही बनी जा रहा है तो उसको फॉलो करते हैं। और ये भी सोचा था कि आज हम दूसरे दिन भी टेंट में रुकेंगे। हाँ, तो भी पैकिंग वगैरह करते हैं और निकलते हैं, फिर ट्रैक करते हैं। और यहाँ पे टेंट में ना मुक्ति ने किए हुए जुगाड़, यहाँ पे हैंगर वगैरह तो होता नहीं है, तो मुक्ति ने ये टांग दिया हुआ है जो खोलना मुझे आ नहीं रहा है। चाबी यहाँ टांगी हुई है, तौलिया यहाँ टांगा हुआ है, इसको खोल भी दे आके। एंड सच बोलूं, मुझे इस ट्रिप पे ना बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि रोज सुबह टेंट से निकलते हैं तो अलग अलग नजारे होते हैं। कल रिवर वाला नजारा, और आज भाई साहब ये सुंदर से पहाड़ों का नजारा। आए हाय हाय, यहाँ पे बर्फीले पहाड़, ओए होए ओए होए, ये पथरीले पहाड़, ये गंजे पहाड़। चारों के टाइम आ चुका है सारा सामान गाड़ी में रखने का। हमने अपने पूरे ट्रिप में बाहर कोई भी कचरा नहीं डाला है, एक हमने गाड़ी के अंदर ही लिफाफा रख लिया, जो भी वेस्ट होता है इसमें डालते हैं ताकि जहाँ पे डस्टबिन मिले वहाँ पे डिस्पोज करो। तो भर गया यार वो पूरा, भर गया। सही बात है। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमने गाड़ी अपनी खड़ानी, और फिर यहाँ से सारा का सारा रास्ता पैदल। गाड़ी जो है वो हमने पार्क कर दी हुई है, और इन वादियों के बीच में हमारा जो ट्रैक है वो हो चुका है शुरू। तो चलते सारी थक गई। सही बात है, फिर ऑक्सीजन की बड़ी कमी है। पेड़ पौधा है नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी। भाई साहब, अभी हमने ना सिर्फ चलना शुरू ही किया था, 5 मिनट के अंदर ही लेक जो है हमें दिखने लगी हुई है। बहुत ही छोटा सा ट्रैक था, मतलब ट्रैक था ही नहीं, चलने का वॉकिंग डिस्टेंस ही था ये। तो जी ये है अपनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लेक चंद्रताल। पास आके ना इसका कलर अलग लग रहा है, क्योंकि स्काई ब्लू है ना, तो यहाँ से ब्लू 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 दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। दूर से ब्लू कलर दिख नहीं रहा, पास आके दिख रहा है। और ऐसे ही, और ये स्टीप बहुत है उनका, ये यहाँ तक उस पर डायरेक्टली ऐसे नीचे को जा रही है। मुक्ति अपनी नजरों से देख लिया हुआ है, गहराई नाप ली हुई है इसने। नहीं दिख ही रहा है, जाओ स्विमिंग करके देखो एक बार। नहीं ठंडा होएगा। नहीं नहीं, तुम्हारे भी जूते वाटरप्रूफ है। तो जूते वाटरप्रूफ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पानी के ऊपर ही चलने लग जाऊंगा। भाई बड़ी ओंकार रंधावा इज डूइंग जेवलिन थ्रो। ले ओए ओए, वो देख कितनी दूर तक गया है। यहाँ गया, वहाँ गया, फिर वहाँ। ये क्या था? ये बाउंस टेक्निक थी। पहला टप्पा दूर जाके, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा। ये फ्लैट पत्थर होता है ना, उससे बड़ा सही होता है। चंद्रताल हमने एक्सप्लोर कर लिया हुआ है, और अब हम निकलेंगे टुवर्ड्स काजा, और रास्ता जो है फिर से वही कठिनाइयों भरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा चूटे माटे वाला। निकलते हैं और देखते हैं कब पहुंचते हैं काजा। आज तो पहुंचना ही पहुंचना, जो मर्जी। बाइकर्स का कुछ ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ इधर है, और ये गाड़ी क्यों खड़ी है मुझे समझ नहीं आया। ये बाइकर्स को जाने की वेट कर रहा था, और उसने थोड़ी मेरे ख्याल रील वगैरह बनानी है, टशन मार रहा है गाड़ी के ऊपर बैठ के। वैसे ना बाइकर्स के लिए बहुत मुश्किल है वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना है ना। हाँ। वो बेचारी के बीच में रुक गई, एक तो पूरी जान पैरों की लगती है अगर नहीं निकल पा रही अच्छे से बाइक, है ना, बहुत एनर्जी वाला काम। मतलब जितने वैसे आजकल यूट्यूब पर मोटो व्लॉगर्स हैं उनकी बाइक वगैरह अच्छी है, वो इजीली निकल जाते हैं, बट जो नॉर्मल हिमालयन वगैरह बाइक है या जो नॉर्मल बाइक्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है। और इनका जज्बा है सच्ची में, जज्बा कि ये कर रहे हैं, ये सारे रूट वगैरह कवर कर रहे हैं, रियली सलूट है इनको यार। बहुत औखा काम है ये, सच में औखा है। हमें तो कुछ नहीं, हमने तो रेस पे टायर देना, अपनी 4x4 गाड़ी है निकल जाएगी, टेंशन कोई नहीं। उनकी टेंशन गिर गए तो सारे गिल्ले हो जाएंगे, चोट लग जाएगी। बाइक अभी इतनी मुश्किल से निकली है, अब ये खतरों के खिलाड़ी पार्ट 2। ये अलग ही चला है, एक बार इनको निकल लेते फिर हम निकल लेंगे। बाइक वाला अभी तक नहीं निकल पा रहा है ना। मजे ले रहे पूरे मजे। यहाँ पे ना ये एक चीज बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लोगों को पता है कि सड़क बहुत ज्यादा पतली है, तो अगर दो गाड़ियां एक साथ आ रही हो तो एक जना ऑलरेडी गाड़ी को एक जगह पे आके रोक लेता है ताकि निकल जाए। वन वे है ये, तो वो प्रिकॉशन है। हमने गाड़ी रोक लिया साइड पे, क्योंकि सामने से आ रही है तीन गाड़ियां जिसमें से दो थारे हैं।
दो थारे हैं, हमारी मिला के तीन थारे। इस रास्ते पे थार बहुत मिली हमें, है ना, ये सारी 4x4 गाड़ियां कामयाब है यहां पे। पर मैं देखो, और काफी लोग जो हमें रास्ते में भी मिले उन्होंने यही बोला कि अब अच्छा हुआ 4x4 गाड़ी लेकर। कहीं ऑल्टो तक में जा रहे हैं महाराष्ट्र से, और वो भी CNG। भाई साहब वो तो वो है असली डेयर डेविल, मतलब बाइक वाले भी इन्होंने पीछे छोड़ दिए हुए। यो थार ब्रोस, और ये केरला से आई हुई है। इतनी थारे मिली है ना यहाँ पे, इतनी थारे। यार देख, जब थार खरीदता है ना बंदा, फिर वो सोचता है थार अब खरीदी है तो जरा उसका उपयोग भी पाए, उपयोग किया जाए, जिस चीज के लिए बनी है वहाँ पे लेके जाए। जब इतने पैसे खर्चे ही है तो इस वजह से लोग ज्यादा आते हैं सेट। और सेम विद रॉयल एनफील्ड बुलेट, बुलेट भी लोग ज्यादा इसलिए लेके आते हैं कि भाई अब खरीदी है तो उस पे एक लद्दाख वगैरह का ट्रिप तो बनता ही है। खराब रास्ते की तो आदत पड़ गई है, यहाँ से कितना यहाँ से तो मनाली का पूरा खराब है, इससे भी बुरी सड़क है। अच्छा ओके भाई, 10-15 किलोमीटर जाके। चलो ठीक है, ओके एकदम, चलो थैंक यू। इनको भी ये नहीं पता कि जहाँ से हम आए वहाँ की सड़क इससे भी गंदी है। वो हमें बता रहे आके रास्ता खराब है भाई, जहाँ से हम आए ना वो तो रास्ता ही नहीं था। और ये चंडीगढ़ के थे तो वो ट्यूनिंग बैच हो रही थी पूरी। पाजी पाजी हुआ पड़ा, मेरे करण अर्जुन आ गए। देखो वो आ गया भाई, मैं मिल के आता हूँ इसको भाई। अखियां उड़ीक दिया, दिल आवाजा मारदा, रोड मेरे, फाइनली तू आ गया। सची में मत्था टेकने लगे, दिमाग की हालत खराब हो चुकी है। जो गाड़ी हिली थी ना ठक 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 करके, किलोमीटर दिमाग खराब हो गया इस के बाद। फाइनली रोड आई है, हाय हालत बुरी कर दी इसने भाई साहब। मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा कि गाड़ी इतनी स्मूथली कैसे चल रही है, मतलब आदत पड़ गई है ऐसे ऐसे गाड़ी चलाने की, छूटे मटे खाने की। इतनी स्मूथ रोड, ये कहीं हमें भुलेखा तो नहीं पड़ रहा है, ये 2 पल की चाद भी और फिर डगमगाती रोड तो नहीं होगी। डगमगाती रोड वही, ये हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो इधर से उधर को जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किल होने वाली है। वो सोचेंगे वाह क्या नजारा है, क्या सड़क है, वहाँ पहुँच के बोल गए 100 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है यार। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरी सड़क मजा आ रहा। एक आई थी ना वो इजिप्ट वाली मूवी थी, उसमें मम्मीज वगैरह दिखाते हैं, तो वो मूवी देख रही हो तो मेरे को ऐसा बड़ा फैंटेसाइजिंग लगने लग गया। वो मम्मी वाला जो उनका पूरा सेटअप था वो दिखाया था पिरामिड्स वगैरह, और यहाँ इस रास्ते पे जाके ना वही वाली फील आ रही है, ऐसा लग रहा है किसी इजिप्ट में घूम रहे हम। नहीं वो फील वैसी सी है, वो कलर वाइब वैसी है, पिरामिड है नहीं, पिरामिड है नहीं, बट कोई बात नहीं, मतलब मेरा वो शौक पूरा हो गया, लग रहा पूरा इजिप्ट पूरा। अभी केव के अंदर से निकले हम, केव के अंदर से तो नहीं निकले, मान लो मान लिया, बट ये रास्ता अपने आप में इतना ज्यादा सुंदर है ना। इजिप्ट का प्लान कैंसिल, अराउंड 4-5 घंटे से गाड़ी चलाई जा रहा हूँ, गाड़ी में हमारे पानी खत्म हो चुका है, खाने के लिए कुछ है नहीं, लाले लगे हुए हमारे, बहुत देर बाद कोई दुकान आई है तो यहाँ से लेते हैं पानी की बोतल होगी। एक बार खाने में भी पूछ लो क्या मिलेगा यहाँ पे, मटन मोमो है, कुछ और खाने को है, वेज है नहीं, वैसे कुछ और खाने को है, यहाँ का लोकली हो या कुछ और। अच्छा परांठा जैसा है, यहाँ का लोकल है ये, कुछ क्या बोलते के इसको, पाकले खा रहे, एक बार ट्राई करना, एक ले लेते हैं। हाँ हाँ, और मैं मोमो खा लूंगा। हाँ एक बार ट्राई करते हैं, तो फाइनली ट्राई। वो दीदी परांठे को क्या बोलते हैं, क्या नाम है, पागलिप, 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 पागल, पागलिप, मैं भी जैसे ये पागल, इसका लिप पागलिप, पागलिप, मोमोज हमने बहुत खाए ओंकार, बट यहाँ का मोमो हम पहली बार खाने लगे हैं सच में। और ये अपनी साथ में हमेशा की तरह कहूंगा फाइल्स वाली चटनी, हाउ इज इट, गुड, फुल जूसी, अच्छा बहुत स्वाद, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। तू अपना वो आलू का परांठा खा के दे, पागल पता नहीं क्या चीज है, नो आइडिया एट ऑल, पता नहीं पराठा टाइप है कुछ, स्टेक बेस को कुछ देखते हैं, आलू स्टफ्ड बीच में से, मतलब बेसिकली डोसा और पराठा का कुछ बीच का कॉम्बिनेशन लग रहा है, भटूरा टाइप तो नहीं, हाँ भटूरा भी हो सकता है क्योंकि फ्राइड है, ये फ्राइड है। हाँ नहीं 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 नही
ठीक ठीक है, ये बहुत अच्छा बस। जिस बंदे ने परांठा खाया हो, ठीक ठीक। खाना पीना हो गया डन, और ये अपनी गाड़ी की हालत भाई साहब पूरी ऑफ रोडिंग वाली हो गई हुई है। गाड़ी का असली कलर पता ही नहीं लग रहा है मुक्ति, असली कलर तो नहीं पता लग रहा, ग्रे लग रही है ये। और यहाँ पे ना आपकी सेवा के लिए हर एक कुछ किलोमीटर के बाद आपको बोर्ड दिखाई देगा जिसपे की क्या लिखा हुआ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो मतलब कितना समझ में आ रहा है कि काजा कितना दूर रह गया, कितने किलोमीटर दूर रह गया। अपनी तरफ से आधा काम कर दिया हुआ है, बाकी आधा काम कोई अच्छी राइटिंग वाला बंदा मिलेगा उसके बाद होगा। पूरे रास्ते में मार्किंग कहीं पे भी नहीं है, मतलब पूछ पूछ के सामने पड़ रहा है कितना रह गया, कहाँ को रास्ता जा रहा है, कोई मार्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पेंट करके रख दिया हुआ है। काजा में आके तो हमारे नेटवर्क आ चुके हुए, नहीं तो दो दिन से हमारे नेटवर्क भी नहीं थे। हाँ। तो फाइनली बताया गया है कि काजा है इस तरफ। ये रास्ता वैसे बड़ा जबरदस्त है ना, मुझे लगा जैसे सिटी आएगी तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा व्यू। हमने ऑलरेडी ना होटल में बुकिंग की हुई है और अभी एक घंटे का रास्ता पड़ा, तो कारण और मैंने सोचा कि कहीं आराम से बैठ के खाते हैं पीते हैं फिर निकलेंगे आराम से। और मैं सोच रहा था काजा में ठंड होगी, परंतु यहाँ पे गर्मी है, गर्मी बहुत ही ज्यादा। हम एज यूजुअल खा रहे हैं राजमा चावल विद सच अमेजिंग व्यू। खाना वगैरह हमने खा लिया हुआ है और पूरे रास्ते में ना कोई पेट्रोल पंप नहीं था, तो फाइनली जाके हमें काजा में पेट्रोल पंप मिला है। तो अभी हम इधर खड़े हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। प्रीमियम डलवा रहे? नहीं नहीं नॉर्मल डलवा। कितना टाइम लगेगा? शाम को मिल जाए। एक लौता पेट्रोल पंप है और वहाँ पे भी प्रीमियम पेट्रोल मिल रहा है। नहीं नहीं दूसरे वाला है ही नहीं, अभी डलेगा, टाइम लगेगा। इतना पेट्रोल है कि शाम तक 5 बजे तक चल जाए है, बस ठीक है, फिर शाम को फुल करा लेंगे। हमने जो होटल की बुकिंग करवाई है ना, वो पता नहीं कौन से खुंजे में जाके है, मतलब मैं अगर रास्ता दिखाऊँ ना, ज़िगज़ैग रास्ता है, और मतलब बट यहाँ से व्यू जो है ना और भी ज्यादा अल्टीमेट दिख रहा है, बट थोड़ा रिस्की है। अब जाके ये देखना है कि अल्टीमेटली ऊपर पहुंच के व्यू कैसा होने वाला है। कहाँ पे होगा पता आपको, रहने की जगह नहीं पता? फोटो देख के पहचान जोगे? ये वाला हाँ पता है, इसे और नो नहीं के थे। और मिनिस्ट्री थे और हम भी जाने, हम भी ले जाओ ऐसे 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 ले जाऊं? नहीं नहीं गिर जोगे? नहीं गिरेगा, नहीं नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं गिर जाओगे, थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 उतार नहीं है, डर लगता है बच्चे ऐसे कोई गिर गिर गया, गिर जाओगे? नहीं बेटा प्लीज नहीं, हाँ झटका है ना, गिर जाओगे? हाँ नहीं बेटा ऐसे नहीं, चलानी गाड़ी वो देखियो, शरारती बच्चे हो तुम। मेरे को बड़ा डर लग रहा है बच्चे ऐसे भाग रहे साथ में, गाड़ी चला पा रहे। हाँ ये है पूरे शरारती वाले, ये करते है पूरे मजे ऐसे। मुझे बस ये डर है कि गाड़ी पे ना चढ़े, और तो कुछ नहीं है। ए भगवान, या तो इनसे आगे निकाल लो बच्चों से। बहुत बढ़िया जीत गए तुम। वो पीछे कौन है देखो, चलो 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 चलो, वो देखो पीछे कौन है। तो फाइनली जाके हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। किधर है? अच्छा ये ऊपर वाला व्यू कुछ इस तरीके का है। और इसके पीछे हमारा रूम। भैया शूज रिमूव करने बाहर? अच्छा सारी की सारी थकावट ना खत्म हो चुकी है अपने रूम से जो व्यू है ना वो देख के। तो आप भी एक बार देखो, ओए होए ओए होए ओए होए, क्या नजारे हैं, है उक्ति बहुत बढ़िया। ये तो लग रही प्रॉपर इजिप्ट फील है। हाँ गई नहीं वैसे मैं कभी, बट स्टिल। तो यहाँ पे भैया ने बताया कि ऊपर है व्यूइंग पॉइंट, तो हमने सोचा कि वहाँ पे सनसेट शायद अच्छा लगे। और आपको ये भी बता दें हम जहाँ पे रुके हुए उस जगह का नाम है ढंकर, ढंकर यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है। ध्यान से देख पाऊं तो बीच 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 में छोटी छोटी गलियां करके लोगों के घर है। मैं उन कार को बोल रही हूँ कि मैं एक बार पैदल चलते हैं। यार अंधेरा होने वाला, मैं नहीं यार जाऊंगा, अभी दिन में चलेंगे। गाड़ी पे नहीं जाना, पैदल जाने का तो है। आजो आजो आजो, इट्स फन ना, 15 मिनट वहां से जाके फिर वापस आ जाएंगे। मुझे ऊपर जाके एक बार पैदल जाके देख। मुझे डर किसी चीज से लगता है, मुझे ना बस उस चीज का डर जैसे वो गायें जा रही है वो सब ना, तो वैसे कहीं मारेगी तो नहीं, गायेगी बिल्कुल मारेगी, वो तो मारने के लिए तो है, उसने काफी टाइम से मारा नहीं। और मैंने लाल पहना हुआ है। अरे मुझे ना एक्चुअली पता है क्या, जब हम पिंजौर में नान के जाते थे ना, तो वहाँ पे वो गाय घूमती थी, तो वो ऐसे अटैक करती, तो हमें डरा के रखते थे घर वाले, नहीं 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 आप अंदर आ जाओ। ये भी डरावने वाली है, लाल रंग के ऊपर और भी अटैक करती है। वो होती है बुल, कोई बात नहीं, ये भी कर देती है। तुमने बहुत ही ज्यादा स्टीप रास्ता है ना, लोग कैसे चढ़ जाते हैं यहाँ पे, है उनका
कुछ पकड़ने को भी नहीं है। गायों के लिए है रास्ता। गायों के लिए रास्ता? वो ऊपर घर गाय ने डालने हुए हैं ये बताओ। वो डाल के फिर वो वापस गए नहीं ऊपर। शट अप। रास्ता तो है नहीं, घर पहले डाल दिया। उनको लगा सरकार यहाँ पे रोड डालेगी, डाली नहीं। वो लैंडस्लाइड हो जाएगी ना कर। मिट्टी की खुशबू, ये ले सुन ले। ज्यादा ऊपर तक हम गए नहीं क्योंकि हमारे जो फोटो सेशन थे ना वो खत्म नहीं हो पा रही थी। सुंदर सुंदर घर देख के, रीति अच्छी अच्छी गलियां देख के। अच्छा पैसेज है यहाँ पे। तो फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं और इधर बन रहा है हमारा डिनर। तो यहाँ पे दी थेंतुक बना रहे हैं और स्पेशल हमारे लिए यहाँ का खाना बन रहा है। और सब्जी। और किसकी सब्जी? सब्जी गोभी आलू मिक्स। खुशबू ने इतनी ज्यादा जबरदस्त आ रही है ना, ये बेस्ट चीज लगती है कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का लोकल खाना खाने को। भूख तो हमें लगी हुई थी खुशबू के साथ, और भूख इनटू 10 हो चुकी हुई है। और यहाँ का डाइनिंग एरिया इतना अमेजिंग है, देखा तुमने? बिल्कुल लोकल सिस्टम। ये अपने मोमोज बन रहे हैं? नहीं जी, ये टिमोक है। टिमोक? अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दीदी ना हमें बता रहे हैं कि ये जो है ना चिमनी सी, इस पे सर्दियों में खाना बनाते हैं, जैसे खाना भी बन जाता है और ये जो कमरा है ये निग्गा भी हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। मतलब देखा जाए ना हर जगह के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं और उसके बहुत ही ज्यादा मल्टीपर्पज है। इसको क्या बोलते हैं दीदी? थेंतुक। 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 अच्छा ठीक है, देखने में थुकपा जैसा लग रहा है। लोकल ब्रेड तिमोक। अच्छा, और तिमोक के साथ सब्जी है? सब्जी है। इसके अंदर कुछ फिलिंग भी होती है? अच्छा, काम करेंगे रोटी करना। अच्छा, ऐसे करके इसके साथ लगा के खानी है। रोटी हो गई। खाना पीना हो गया है डन। और सच बोलू बहुत ही ज़्यादा स्वाद खाना बनाया था, लोकल खाना खा के ना मज़ा आ गया। और मैं ना एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको, जब आप ऐसी जगहों पे ट्रैवल कर रहे हो ना तो होटल वगैरह में ना रुको, होम स्टे प्रेफर करो। आपको होम स्टे में मिलेगा ना वो एक घर वाली वाइब, घर का खाना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है सच में। और आज का जो व्लॉग है यहीं पे मैं करता हूँ खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। ये तो दिखा दो थर्मस, क्यूट वाटर। ये देख लो इसके ऊपर वो है, ये क्या बोलते थे, कॉर्क है। हाँ। वाह। और ये चाय नहीं है, पानी मंगाया था। तो टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग पे।